हेलो फ्रेंड्स, कुक विद राधा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की सेव नमकीन। ये बहुत ही बनाना इसे आसान है, ये बहुत ही जल्दी बन करके तैयार भी हो जाएगी और ये स्वादिष्ट भी बहुत लगती है। फ्रेंड्स, ये बच्चों को तो ज़्यादातर पसंद आती है क्योंकि इसमें ज़्यादा तीखापन नहीं होता है, तो ज़्यादातर ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये 1 कप बेसन लिया है, ये छना हुआ बेसन है, और ये बेसन को हम इस प्लेट में डाल लेते हैं। और ये मैंने यहाँ पर आधा छोटी चम्मच नमक लिया है, तो नमक को भी हम डाल लेते हैं। और यहाँ पर मैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ले रही हूँ ताकि इसमें पीलापन बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पर मैं 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ, थोड़ा एक चुटकी यहाँ पर मैं गरम मसाला ले रही हूँ, 1/4 चम्मच मैं यहाँ पर जीरा ले रही हूँ, और यहाँ पर मैं 1 चुटकी भुना हुआ जीरा ले रही हूँ। स्वाद के लिए बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। और अब हम यहाँ पर ये ऑयल ले रही हैं, 1 चम्मच ऑयल डाल दिया हमने, 2 चम्मच, 3 चम्मच, यहाँ पर मैंने छोटी चम्मच 4 ऑयल यूज किया है। अब इसे हम अच्छे से हाथ से मिसल के तैयार कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, तो हमने डाल लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हल्का हल्का पानी डालेंगे, डो तैयार करेंगे इस तरीके से। हमें ज्यादा पतला भी नहीं करना है और ना ज्यादा टाइट, तो हमें मीडियम रखना है ताकि हमारी जो सेब अच्छे से क्रिस्पी बन सके। तो ये हमारा अच्छे से डो तैयार हो चुका है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लोई सी बना लेंगे इस तरीके से। 2 लोई करेंगे हम इसमें से। हम इसे बिना मशीन के बनाएंगे, मशीन में भी बनाना बहुत ही आसान, लेकिन हम आपको गैर मशीन के बना के दिखाएंगे इसको। इस तरीके से हमें इसको लोई बना करके तैयार कर लिए, ये देखिए। हम इसे गैर मशीन के बनाने वाले हैं। तो इधर हमने नमकीन सेकने के लिए ऑयल लिया है, इसे हम गर्म होने के लिए रख दिया है। ये गर्म हो रहा है, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम सेब सेकना शुरू कर देते हैं। तो सेब सेकने के लिए मैंने यहाँ पर ये देखिए कलछी ली है, ये छेद वाली होती है इस तरीके से, सभी के घरों में होती है ये। तो इस तरीके से मैं इस पे ये रखूंगी इसको बेसन को। अब हम इसको हाथ की सहायता से इसको दबा दबा के इस तरह से हम ये सेव बनाएंगे इस तरह। ये देखिए अच्छे से सिक करके तैयार हो गए हैं सेव हमारे। अब हम क्या करेंगे, ये साइड में लगा के निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने सेब सेक करके तैयार कर लिए हैं, कितने करारे सिके हैं आप देख सकते हैं। और ये आप देखिए, इनकी गजने की आवाज आ रही होगी आपको, ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इसे फटाफट बनाइएगा, अपने बच्चों को खुश करिएगा, क्योंकि ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं, क्योंकि इसमें मिर्च ज्यादा नहीं होती, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग के अनुसार मिर्च डाली है, मुझे थोड़ी अच्छी लगती है। अगर आपको थोड़ी मिर्च नहीं डालनी है, बच्चों के हिसाब से बनाना, तो बिल्कुल मिर्च मत डालिए। इसमें नमक और थोड़ी हींग और डाल लीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा उससे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इसे चाय के साथ खाइएगा, या फिर किसी आपके घर में कोई गेस्ट आता है उसके लिए बनाइए और इसे खिलाइए सबको। अगर मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स लोगों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।